हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शाहिद हनीफ है, मैं आपके सामने फिर से आया हूँ। ये मेरा थर्ड ब्लॉग है और मेरे पहले और दूसरे ब्लॉग के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का प्यार, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मुझे ये तीसरा ब्लॉग बनाने की हिम्मत हुई है। तो उसी के साथ में आज जो मेरा आज का टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करूँगा, लाइक फाइव क्वालिटीज़ मेक मैन लुक्स अट्रैक्टिव, ओके, एंड मेक्स लुक लो एनर्जेटिक। सो उसी के ऊपर मैं आज कुछ बात करूँगा, पांच पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा जिसके ऊपर आप लो अट्रैक्टिव दिखते हो और आपके अंदर एक लो एनर्जी दिखती है, तो उसको किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसी के ऊपर मैं आपके साथ में पांच पॉइंट्स शेयर करूँगा। इंशाल्लाह उसी को फॉलो करके आप जो है एक लो एनर्जी से आप चेंजेस आप अपने अंदर देख सकते हो इंशाल्लाह। और जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है कि विजुअल, आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो, आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, ठीक है। लाइक आपके कपड़े पहनने का तरीका किस तरीके का है, आपको आप अपने ऊपर जो भी क्लोथ्स कैरी करते हो वो आपकी बॉडी को सूट होता है या नहीं होता है, ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। आपको जो है अपने बॉडी के शेप के हिसाब से जो है क्लोथ्स कैरी करने हैं। जैसे कि अगर आप अभी कॉलेज लाइफ में हो तो आप कॉलेज लाइफ के हिसाब से आप कैजुअल कैरी कर सकते हो, तो आपके ऊपर सूट करेगा, ठीक है। और सेकंड चीज़, अगर आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, अगर आप ऑफिस लाइन में हो, अगर आप ऑफिस के लिए जाते आते हो, आप ऑफिस में काम करते हो, तो आपके हिसाब से जो है आप फॉर्मल अगर कैरी करोगे तो आपके ऊपर ज़्यादा बेटर लगेगा। और आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है आपका जो भी क्लोथ्स होते हैं उसको जो है प्रॉपर आपके बॉडी शेप के हिसाब से जो है आपको परफेक्ट अल्टर करके आपको उसे कैरी करना है। अगर आप ज़्यादा लूज पहनोगे तो भी आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप ज़्यादा टाइट पहनोगे लाइक स्किनी पहनोगे तो भी आपके ऊपर सूट नहीं करेगा। तो जो सबसे पहला मैटर करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लो एनर्जी से, लो अट्रैक्टिव से अगर आपको बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगना है तो आपको जो है आपके अटायर को कैरी करना होगा अच्छे तरीके से आपके बॉडी के शेप के हिसाब से। और जो मेरा सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि वर्कआउट, मैंने आज से कई बार मैंने अपने खुद के फ्रेंड्स को और मैंने खुद के मेरे कज़िन्स को, मेरे फैमिली फ्रेंड्स को, बहुत से लोगों को मैंने ये सजेशन दिया कि वर्कआउट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। वर्कआउट अगर आप करोगे तो आपकी बॉडी फिट होती है, सेकेंड चीज़ आप मेंटली स्टेबल होते हो, और थर्ड चीज़ अगर आप कोई भी चीज़ करोगे, लाइक एग्ज़ाम्पल अगर आप, जैसे अगर मेरा फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपके साथ में शेयर किया कि क्लोथ्स को लेके, अगर आप फिट रहोगे तो आपके ऊपर कोई भी क्लोथ अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वर्कआउट आपको जो है हमेशा कंटिन्यू रखना है, और वर्कआउट ये सोच के आप ना करें कि आपको जो है आपको आपकी बॉडी बिल्डिंग आपको शो ऑफ करना है, बस आप ये सोच के करें कि आपको फिट रहना है, ठीक है। ये जो मेरी आप बॉडी का स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके ऊपर भी मैंने बहुत वर्कआउट किया है, और इसके आगे मैं जो वर्कआउट से रिलेटेड वीडियोज़ रहेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि वर्कआउट किस तरीके से करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। मैं हर एक चीज़ आपके साथ में वर्कआउट से रिलेटेड भी शेयर करूँगा। तो सेकेंड पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है, वो ये है कि आपको वर्कआउट डेली बेसिस पे करना है। आप 18 प्लस हो चुके हो तो आपको वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट अगर आप करोगे डेली बेसिस पे तो फिर जो है आप हमेशा हेल्दी रहोगे, स्टेबल रहोगे, और आपका एक माइंड फ्रेश रहेगा, आप टफ रहोगे। और जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अपने चलने के तरीके को बदले, किस तरीके से आप चलते हो ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने अपने पूरी बॉडी को परफेक्ट मेंटेन किया है, लाइक आप वर्कआउट करते हो, हर चीज़ आपकी प्रॉपर है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा है, और आपने अच्छे कपड़े भी कैरी किए हुए हैं, आप प्रेजेंटेबल लाइक दिख रहे हो, लुक वाइज आप बहुत प्रेजेंटेबल हो, लेकिन आप जब जिस तरीके से आप चलते हो किसी के सामने, लाइक आप आपके ऑफिस में, आप कहीं स्ट्रीट पे या कहीं भी आप अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ में घूमने के लिए निकलते हो, कहीं भी आप जाते आते हो, तो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि आपको आपके चलने के तरीके को ध्यान में रखना है। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है तो
आपको आपके चल आप किस तरीके से चलते हो ये बहुत मैटर करता है। जैसे कि अगर आप बेंड होके चलते हो वो भी नहीं अच्छा लगता है, वो अट्रैक्टिव नहीं होता है। अगर आप बहुत अकड़ के चलते हो वो भी नहीं अच्छा लगता है। आपको जो है आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को एकदम मेंटेन रखना होता है स्ट्रेट, ठीक है। आपके फेस को हमेशा ऊपर स्ट्रेट मेंटेन रखना होता है चलने के वक्त। आप आपके शोल्डर्स के ऊपर ध्यान दें, ना ही लूज चले ना ही ज़्यादा टाइट चले। ओके, आपके चलने के तरीके के ऊपर भी जो है आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। आप किस तरीके से चलते हो, किस तरीके से आप लाइक डेली चलते हो, किस तरीके से आप, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। तो इसलिए अगर अब तक ये अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में चलने के तरीके को अगर आपने नहीं जज किया है, तो अभी इसी वक्त इसके बाद आप जब कभी भी आप कहीं पे भी जाए आए तो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि आप किस तरीके से चलते हो। अपने आप को जज करें, अपने आप को देखिए, आप आपके अंदर क्या कमी है, किस तरीके से आप चलते हो। तो जब आप अपने आप को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप किस तरीके से चल रहे हो। तो इसलिए अपने चलने के तरीके को सुधारो। और जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि वे ऑफ स्पीकिंग, आप किस तरीके से बात करते हो, ठीक है। आप किस तरीके से बात करते हो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आप कहीं पे भी हो, लाइक फैमिली के साथ में हो, फ्रेंड्स के साथ में हो, आप बात करने से पहले एक बार नहीं दस बार सोचें कि आप क्या बात कर रहे हो, उस बात का क्या मतलब निकलेगा। तो हमेशा आप कभी भी किसी के साथ भी, लाइक अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंटली बात करना है और फंबल नहीं होना है। जैसे कि मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे सजेशन दिया है कि मैं बात करते वक्त लाइक थोड़ा बहुत फंबल होता हूँ, तो वो चीज़ों को मैंने अपने हमेशा लाइक ये सोचा है कि मुझे जो सजेशंस मिलते हैं उसमें मुझे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई मुझे सजेशंस देता है तो उस चीज़ों के ऊपर मैं बहुत ध्यान देता हूँ और उसके ऊपर फिर मेहनत करने की कोशिश करता हूँ कि उसको मैं किस तरीके से सुधार सकूँ। तो हमेशा अपने बात करने के स्टाइल को ध्यान रखें और उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर कैसे चेंजेस कर सकते हैं, क्या बात कर रहे हो, सेंसेबल बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जिस तरीके से बात करते हो, आपके अल्फाज, आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। दैट्स इट। और जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि इस पॉइंट के ऊपर अब जब मैं बात करूँगा तो शायद मे बी आप लोगों में से कई लोग बोलेंगे कि अभी तो फ़िलहाल COVID-19 का सिचुएशन है तो वैसे भी हैंडशेक नहीं कर सकते। लेकिन ये टॉपिक अभी के लिए नहीं, लाइक इन फ्यूचर के लिए है कि जिसके ऊपर अगर हम अभी बात करेंगे तो शायद इन फ्यूचर में सारी सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाएगी तो ये हमें यूज़फुल होगा। लाइक हैंडशेक, अगर आप किसी से भी मिलते हो और अगर आप हैंडशेक करते हो तो आप वीक हैंडशेक, लाइक आप बहुत कमज़ोर तरीके से, आप ढीलेपन से अगर आप हाथ किसी से मिलाते हो तो वो भी जो है लो अट्रैक्टिव लगता है एंड लेस एनर्जेटिक लगता है। तो इसीलिए आपको जो है ध्यान रखना है कि अगर आप किसी से मिलते हो, अगर आप हैंडशेक करते हो तो उसे प्रॉपर तरीके से आपको जो है आपके थंब को उसके फोर फिंगर्स के ऊपर रखना है और अच्छे से उसे पकड़ना है, ठीक है। अच्छे से आपको उसका हैंडशेक करना है, ना कि उसे स्क्वीज़ करना है, ना ही बहुत लूज़ आपको पकड़ना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंडशेक करना है। हैंडशेक भी जो आप किसी से भी करते हो तो उस पे भी आपकी जो है बॉडी पर्सनालिटी दिख कर आती है। अगर आप खुद सोचोगे, अगर आपने किसी बिजनेसमैन से हाथ मिलाया तो, और किसी भी ऐसे शख्स से हाथ मिलाया जो पर्सनालिटी वाइज लाइक उसकी पोजीशन वाइज वो बहुत अच्छा है, एंड सेकेंड थिंग उसकी पर्सनालिटी वाइज वो भी बहुत अच्छा दिखता है। जो अच्छा हैंडशेक करता है उसकी पर्सनालिटी आपके माइंड में बैठ जाती है, अरे यार इसने बहुत अच्छे से हैंडशेक किया, लाइक बहुत ज़बरदस्त, इस तरीके से मुझे भी करना चाहिए, ठीक है। ये आपको खुद ब खुद आपके दिमाग में क्लिक होता है। अगर आपने बहुत बार अगर ये चीज़ें आपके साथ हुई होगा आपको नहीं याद होगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो हैंडशेक बहुत मैटर करता है। तो उसे वीक हैंडशेक से आप जो है किस तरीके से पावरफुल स्ट्रॉन्ग हैंडशेक अच्छे से कर सके, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ में मैं ये ब्लॉग एंड करूँगा। यही सब 5 पॉइंट्स थे जो मुझे आप सबके साथ में शेयर करने थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके पहले भी जो आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का जो रिस्पॉन्स मिला, उसकी वजह से मुझे ये हिम्मत मिली है, मैंने ये थर्ड ब्लॉग बनाया है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी
इसी तरीके से आप मुझे आगे भी सपोर्ट करोगे तो मैं और भी व्लॉग्स अच्छे अच्छे बनाऊंगा जिससे आपके लिए यूज़फुल हो और मेरे पास जो अच्छी नॉलेज है वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर सकूँ, और कुछ नहीं। और अगर आपको ये हकीकत में अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कुछ नहीं। थैंक यू।